दोस्तों, डायबिटीज हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, खासकर डायबिटीज टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज 99% हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है। हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके अंग्रेजी दवाइयों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा बना लेंगे कि हमारी अंग्रेजी दवाई दिन पर दिन कम होती चली जाएगी, और जिस दिन हमारी अंग्रेजी दवाई बंद हो गई, उस दिन से आपका शुगर लेवल जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि शरीर अपनी अंदरूनी इंसुलिन बनाने लगेगा। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों को एकदम से बंद नहीं करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना है, अपने खान पान में सुधार करना है, व्यायाम रोज करना है, मीठी चीजें नहीं खानी है। दोस्तों, अपने शरीर को मौका दो अपना इलाज करने का, आपका शरीर ही खुद आपका इलाज करे। इसके लिए 2-3 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने डाइट में सुधार करना है, जो भी चीजें शुगर को बढ़ाने वाली हैं उनको छोड़ दें। नंबर 2, अपने खाने में फल को और सलाद को भरपूर मात्रा में शामिल करें। रोटी चावल खाना कम कर दें, सलाद और फल खाना बढ़ा दें। वे चीजें ना खाएं जो आपको आसानी से हजम ना होती हो। नंबर 3, रोजाना सुबह को टहलना शुरू करें। शुरुआत करें आधा किलोमीटर से, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लाइफस्टाइल को अपनाते हो, आपकी शुगर की डोज कम होती चली जाएगी। आप अपने शुगर पर पूरा ध्यान रखें कि आज मेरा शुगर कितना है, कल कितना था, परसों कितना था, और धीरे धीरे करके दवाई की डोज कम करते जाएं। अंग्रेजी दवाई की डोज को कम करने में 2 होम्योपैथिक दवाइयां जिन्हें आप ले सकते हो, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनको भी आप रोजाना अपने रूटीन में शामिल करें। अंग्रेजी दवाइयां लेते रहिए, उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाई भी शुरू करें। धीरे धीरे करके अंग्रेजी दवाइयों को बंद करते जाएं और होम्योपैथिक दवाइयों को उनके स्थान पर लाते जाएं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक दवाई है साइजीजियम, इसका मदर टिंचर के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। आधा कप पानी ले, उसमें इसकी 15 ड्रॉप डाल लें और दिन में 3 बार ऐसे करके पीना है। दूसरी दवाई है एसिड फोर्स मदर टिंचर। एसिड फोर्स मदर टिंचर की 10 बूंदें दिन में 3 बार पीनी है। दोस्तों, आप चाहें तो इन दोनों दवाइयों को एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे आपने आधा कप पानी लिया, उसमें 15 बूंदे आपने साइजीजियम की डाल ली और 10 बूंदे एसिड फोर्स मदर टिंचर की डाल ली, इसको दिन में 3 बार पीजिए। दोस्तों, साइजीजियम होम्योपैथी की शुगर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जो जामुन से तैयार की जाती है। ये आपके शरीर के शुगर लेवल को मेंटेन रखने में आपकी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने खान पान पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, फलों और सब्जियों को शामिल करो बहुत ज़्यादा मात्रा में। कोशिश करो कि दिन में सुबह 11-12 बजे तक बिल्कुल भी सॉलिड खाना ना खाएं। 11-12 बजे तक केवल फल और सलाद पर ही रहें, तो इससे 100% 3-4 दिन में ही आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा, आपकी शुगर की अंग्रेजी दवाइयों की डोज कम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपका शुगर की शुरुआत है, यानी कि आपको प्री डायबिटीज है, तो ऐसा करने से ये समस्या 1 महीने में ही हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी दवाइयों की आदत पड़ चुकी है, आप बहुत हाइपोटेंसी में अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, तो भी ये लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। होम्योपैथिक दवाइयों को शामिल करें, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें। लगातार 3 महीने तक इन चीज़ों को फॉलो करने से आपकी अंग्रेजी दवाइयों की डोज बहुत कम रह जाएगी। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर समय समय पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको देता रहूँगा। अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, तो होम्योपैथी की जो बेहतरीन दवाइयाँ हैं उनकी जानकारी भी मैं इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, मिलते हैं 2-3 दिन के बाद एक नए वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।